हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे दीपक के बारे में कि कौन सा दीपक घर में किस बाती का घी या तेल का लगाना चाहिए और कौन से दीपक का क्या नाम है, उसे कैसे प्रज्वलित किया जाता है और अगर गलत तरीके से प्रज्वलित करते हैं तो किस तरह से हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि दीपक में किस का बाती होना चाहिए, वो किस तरह से लगाया जाना चाहिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। विष्णु पुराण के अंतर्गत जिन दीपक का वर्णन किया गया है हम आपको बताते हैं। कुबेर निरंजन दीपक। कुबेर निरंजन दीपक में आगे पकड़ने का एक स्टैंड होता है जैसा आपको दिखाया जा रहा है, तथा इसमें आगे का जो भाग होता है वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, वो चोंच की आकृति का दिखाई देता है। इस तरह के दीपक को कुबेर निरंजन दीपक कहा जाता है। इस दीपक को तेल या घी किसी का भी लगा सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दीपक के अंदर या तो लौंग, काली मिर्ची, चावल, काली तिली, फूल की पत्ती या 1 रुपए का सिक्का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उसके अंदर हमको डालना ज़रूरी होता है। कुबेर निरंजन दीपक को कभी भी खाली नहीं लगाया जाता है। कोई भी चीज़ दीपक के अंदर डालकर लगाने से घर में कभी भी धन खाली नहीं होता है, धन का भंडार भरा हुआ रहता है तथा घर में आनंद का अनुभव होता है। अगला जो दीपक है वो है निरंजन दीपक। यह डमरुकुरी आकृति का होता है। इसकी 5 या 6 कंगूरे निकले हुए रहते हैं। किसी दीपक में 5 कंगूरे होंगे, किसी दीपक में 6 कंगूरे होंगे, जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप भगवान के राइट साइड में लगाना चाहिए, यानी कि जब भी निरंजन दीपक को लगाया जाता है तो भगवान का सीधा हाथ की तरफ इसको लगाना चाहिए, और जब हम लगाते हैं तो हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड। निरंजन दीपक कभी भी तेल का नहीं लगाया जाता है, इसे घृत यानी कि घी का ही लगाना चाहिए। तेल अगर बाटी निरंजन दीपक में लगाई जाती है तो 1 रुपया कमाओ और 1.25 रुपया खर्च हो जाता है, यानी कि उस घर में कभी भी संपदा टिक नहीं पाती है, वैभव टिक नहीं पाता है, पैसा टिक नहीं पाता है। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना चाहिए कि निरंजन दीपक के अंदर तेल की बाटी लग रही है। अगला जो दीपक है उसका नाम है वटी निरंजन दीप। ये दीपक भी डमरू की जैसी आकृति का होता है, लेकिन ये ऊपर से गोल होता है। इसमें कोई भी कंगूरे निकले हुए नहीं होते हैं। वटी निरंजन दीप तेल या घी दोनों का लगाया जा सकता है। ये दीपक कहीं पर भी लगाया जा सकता है। यह वैभव धन संपदा प्रदान करने वाला दीपक है। आगे जो दीपक का वर्णन किया गया है इसमें आते हैं आटे के दीपक। जो आटे से दीपक बनाए जाते हैं आपको बताया जा रहा है। इस तरह के दीपक होते हैं, ये चारों दिशाओं को सुख प्रदान करने वाले दीपक होते हैं, यानी कि जब भी दीपक लगाओ तो इनकी बाटी इस तरह से लगानी चाहिए कि ये चारों दिशाओं की तरफ जले। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से चारों दीपक को साथ में रखा जाता है, फिर इनकी बाटी अलग अलग दिशा की तरफ लगा दी जाती है, तो ये चारों दिशाओं को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आटे के दीपक में इस तरह से कभी भी चोंच नहीं बनानी चाहिए। अगर आटे के दीपक में इस तरह से चोंच बन जाती है तो उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं आता है। आटे का दिया हमेशा गोल ही बनाना चाहिए। अगला जो दीपक है वो है मिट्टी का गोल दीपक। शास्त्र कहता है कि ये चारों दिशा को सुख प्रदान करने वाला दीपक होता है। इसकी बाटी कहीं पर भी लगाई जा सकती है व किसी की भी लगाई जा सकती है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर इन दीपक में तेल का दीपक लगा रहे हो तो उसी में तेल का ही लगना चाहिए, और जो दीपक घी का लगा रहे हैं वो घी का ही लगना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि मंदिर में जब भी जाते हैं अगर किसी ने तेल का भी लगा रखा होता है तो उसकी बाटी निकाल कर हम लोग क्या करते हैं कि घी का दीपक लगा देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। हमेशा तेल के दीपक में तेल का और घी के दीपक में घी का ही दीपक लगाना चाहिए। विष्णु पुराण में आगे जो दीपक का वर्णन किया गया है उसका नाम है पणती दीपक। ये एक मिट्टी का दीपक होता है। इसमें आगे का भाग निकला हुआ होता है, यानी कि चोंच की जैसा आगे से निकला होता है। ये जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इसकी बाती हमारी तरफ होनी चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इसकी बाती भगवान की तरफ होती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, और अगर इसकी बाती हमारी तरफ होती है तो अगर कोई बड़ी बीमारी हमारी होने वाली होती है तो वो कट जाती है, यानी कि बीमारी का नाश हो जाता है, वो बड़ी बीमारी कभी होती नहीं है।